हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे एंड उसके साथ साथ आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर देखते होंगे। तो मैं आज एक भ्रम को तोड़ने वाला हूं कि ग्रामर का एक टॉपिक जिसको लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं कि ये किसी को आ नहीं सकता या आता है तो इतनी क्लैरिटी नहीं होती। तो आज हम उस टॉपिक के बारे भ्रम तोड़ना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू ब्रेक द इल्यूजन ऑफ द पीपल अबाउट द टॉपिक ऑफ ग्रामर दैट इज नोन एज क्लॉज। तो दोस्तों, आपने भी सुना होगा, आप पढ़े भी हैं, आपने देखा होगा कि लोग ये कहते हैं कि मुझे क्लॉज नहीं आता, क्लॉज बहुत मुश्किल होता है, क्लॉजेस को कैसे सीखा जाए, या मुझे तो इसके बारे बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ही पता नहीं है। तो अगर आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि क्लॉज क्या होते हैं या क्लॉज क्या होता है। ये आप बिल्कुल आज इस वीडियो से सीख लेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों देखिए, मेन चीज इसमें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लॉज है क्या, कंसेप्ट करेंगे हम क्लियर कि क्लॉज है क्या, क्या होता है, क्लॉज का स्टैंड क्या है, ग्रामेटिकल पोर्शन में ग्रामर के अंदर इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ पे स्टैंड करता है। अगर उसके बाद हम ये जानेंगे कि इसके काइंड्स कितने हैं और इसके फंक्शन क्या हैं, कि इसके बाद हम जानेंगे कि क्लॉज का फंक्शन क्या है और इसके कितने काइंड्स हैं और उन काइंड्स को क्या क्या कहते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक जिसके बारे में लोगों का भ्रम है कि क्लॉज बहुत मुश्किल होता है या हमें आ नहीं सकता या हमें सीख नहीं सकते। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे हम सीख नहीं सकते और हम सीखना चाहते हैं। तो आज मेरा ये वादा है कि मैं आपको क्लॉज सिखाकर रहूंगा। सो क्लॉज के बारे बात करने से पहले, क्लॉजेस के बारे या क्लॉज के बारे बात करने से पहले, उसको जानने से पहले, उसके ऊपर नीचे क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, वो कहां पे स्टैंड करता है, ग्रामेटिकल पोर्शन में उसकी क्या हैसियत है, क्या उसका रोल है, उसको जानेंगे तो इसको सीखना और आसान हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है और गारंटी भी है। तो सबसे पहले क्लॉज टॉपिक को करने से पहले वी विल डिस्कस द थिंग्स दैट आर रिटन ऑन द बोर्ड। यहां पे देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा वर्ड, क्या लिखा मैंने सबसे पहले वर्ड। वर्ड को क्या कहते हैं हिंदी में, शब्द, क्योंकि ये चीजें आपको आती हैं कि हमें हमेशा जो सीखने का हमारा तरीका होना वो क्या होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब इसको लोग कॉम्प्लेक्स मानते हैं, मैं तो इसको कॉम्प्लेक्स मानता भी नहीं हूं। हम अपनी बात वहां से शुरू करें, कहां से, जहां से आपको आता है, क्योंकि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने वर्ड नहीं सुना और जो वर्ड को नहीं जानता। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वर्ड बताइए, कि आप कोई भी कह देंगे टीचर, चेयर, टेबल, फैन, रूम, व्हाटएवर यू रीड इन इंग्लिश, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में पढ़ते हैं, वर्ड की फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ग्रामर इज नोन एज वर्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर हैविंग इट्स कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज वर्ड। उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड की। तो वर्ड का क्या रोल है, हम यहां जानने की कोशिश करते हैं। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। मैंने यहां पर उसके दो एग्जांपल लिख दिए हैं। पहला एग्जांपल लिख दिया है टेबल और दूसरा क्या लिख दिया है, चेयर। तो इतना आप समझ गए हैं, ज्यादा सा दिमाग पे बोझ देने की आवश्यकता नहीं है, बस फ्लो में बहते जाइए मेरे साथ, फ्लो में। सेकेंड चीज मैंने जो यहां पर लिखी है, फ्रेज। शायद आपको इसके बारे में भी पता होगा कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, अर्थात वाक्य का अंश, अर्थात वाक्य का वो अंश जो वाक्य में आई क्रिया के अर्थ को थोड़ा ज्यादा स्पष्ट करता है। और होता क्या है, वैसे फ्रेज की अगर डेफिनेशन करें, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो फ्रेज होती है वो एक शब्दों का समूह होती है। ध्यान से सुनिए, शब्दों का समूह होती है। अर्थात यहां से क्लियर होता है कि ये वर्ड से थोड़ी बड़ी है, क्योंकि वर्ड में एक सिंगल वर्ड की हम बात कर रहे हैं और फ्रेज
फ्रेज में क्या होता है, शब्दों का समूह, मोर देन वन जहां हो जाएगा वो फ्रेज होगी, लेकिन इसकी नेचर सुनने पहले, ऐसा नहीं कि मोर देन वर्ड होते ही वहां पे फ्रेज हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि वो वर्ड क्या है, अर्थात अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो क्या है, क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो फ्रेज का फंक्शन क्या होता है, वाक्य के अर्थ को ज्यादा स्पष्ट करना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वाक्य का अंश, क्या कहा जाता है इसको, वाक्य का अंश। और ये एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसको हम जो का त्यों कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं इन द मॉर्निंग, क्या देख पा रहे हैं, इन द मॉर्निंग। अभी मैं इसको यूज करके दिखाता हूं, आई सा माई फ्रेंड इन द मॉर्निंग, आई टोल्ड मेनी स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, मैंने बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया इन द मॉर्निंग, वी विल मीट अगेन इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई सा सन राइजिंग, मैंने सूर्य को उदित होते देखा इन द मॉर्निंग, कब देखा, इन द मॉर्निंग। ये जो इन द मॉर्निंग है, इन द मॉर्निंग क्या है, एक शब्दों का समूह है जिसको क्या कर सकते हैं हम, मैं बार बार यूज कर रहा हूं स्पष्ट करने के लिए, कि क्रिया के अर्थ को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए इसको क्या कर रहा हूं, मैं बार बार यूज कर रहा हूं। जैसे अभी मैं कहता हूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, ये अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है, लेकिन थोड़ा सा और क्लैरिटी देना चाहता हूं कि राम कहां खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, जो ये इन द ग्राउंड है, इन द ग्राउंड वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एक फ्रेज है। अच्छा देखिए, फ्रेज के बाद हमने लिखा है क्लॉज, तो आज आपको एक बात स्पष्ट कर लेनी है कि जो क्लॉज भाई साहब हैं, ये जो क्लॉज भाई साहब हैं, ये कहां पे स्टैंड करते हैं, किससे बड़े हैं, किससे छोटे हैं, ये अगर आपने जान लिया तो समझ लीजिएगा कि आपने क्लॉज को अच्छे से समझ लिया, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लिया, चाहे फिर आप किसी भी क्लास के हैं, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो गारंटी मेरी है कि आप क्लॉज को फाइंड आउट करने में, ठीक है, पहचानने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। और क्लॉज से रिलेटेड जब भी आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वो भी आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। बस यहां तक मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि आपको समझ आता रहे। पहला मैंने क्या बताया, वर्ड बताया, है ना, वर्ड। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सारी चीजें लिखी क्यों है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्लॉज जो है वो वर्ड से बड़ा है, यानी कि एक एक क्लॉज के अंदर वर्ड जा सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा है तो वो अपने अंदर इनको समा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेज। फ्रेज क्या है, इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसकी सेंस लिटिल होती है। इसका कारण क्या है, इसका एक ही कारण है, क्योंकि फ्रेज के पास ना तो अपना सब्जेक्ट होता और ना ही अपनी फाइनाइट वर्ब होती, अर्थात ये कोई काम तो दिखा नहीं सकती, इसीलिए इसको वाक्यांश कहते हैं, वाक्य का अंश। दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट टू मेक द सेंस मोर क्लियर, तो देन वी यूज फ्रेज। उसके बाद जो इससे बड़ा होता है वो होता है क्लॉज। आज आपको पता चला कि वर्ड ऐसे नहीं हवा में नहीं लटकना है, वी आर नॉट गोइंग टू हैंग इन द एयर, हवा में नहीं लटकना, हम क्लॉज करने चल पड़े, हमें ये पता नहीं क्लॉज भाई साहब कहां पे स्टैंड करते हैं। तो आज आपको पता चला कि जो क्लॉज होता है वो वर्ड से, फ्रेज से बड़ा होता है। लेकिन क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ, आप देख पा रहे हैं कि सी सेड, यहां भी तो दो शब्द आ गए हैं, और फ्रेज में भी एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो और डिपेंड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेस, क्योंकि फ्रेजेस के इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। फ्रेजेस भी अलग कई प्रकार की होती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, ठीक है, ये बहुत तरह की है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बन सकती है। तो अपना जो फ्रेज के अंदर भी हमारे कई शब्द होते हैं, यानी कि फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और क्लॉज भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि आपको पता है वर्ड्स तो क्लॉज के अंदर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये इनसे बड़ा है, और आपको ये पता है टेबल वर्ड है। अगर हम इंडिविजुअल सबको देखें तो ये शी वर्ड है और सेड भी वर्ड है, लेकिन अगर हम इसको क्या देखें, अगर हम इसको ग्रामर की दृष्टि से देखें, अगर हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें, तो सी क्या है, प्रोनाउन है, और सेड क्या है,
फाइनेट वर्ब है। सेट क्या है? फाइनेट वर्ब है। ये फाइनेट वर्ब भी क्या है, इसका टेंशन नहीं लेनी है, मैं बताता चलूंगा, बस आप सुनते चलिएगा, आपको सब समझ में आएगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि ये क्या बोल दिया, फाइनेट वर्ब हमें आती नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि जो क्लॉज होता है ना, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, लेकिन अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में लिमिटेशन लगा दी। अब लिमिटेशन ये नहीं कि कुछ भी आ जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, उसने लिमिट कर दी, ग्रामेरियन जो है उन्होंने लिमिट कर दी, रूल बना दिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और फाइनेट वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट और फाइनेट वर्ब। इतना याद रखें, सब्जेक्ट और फाइनेट वर्ब। जब हम अपने आप जब क्लॉज की डेफिनेशन बनाएंगे तब हम इसको करते हैं कि क्या होती है फाइनेट वर्ब, ठीक है। अर्थात बस इतना ध्यान रख लें, जो सब्जेक्ट के साथ आती है वो फाइनेट वर्ब होती है, ठीक है। तो आप देख, यहां पे देख पा रहे हैं कि सी सब्जेक्ट है, और किसका सब्जेक्ट है, सेड वर्ब का, और सेड क्या है, फाइनेट वर्ब है। तो क्लॉज बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, वर्ब और सब्जेक्ट चाहिए। एक सब्जेक्ट चाहिए और एक हमें चाहिए फाइनेट वर्ब, और क्या एक क्या चाहिए हमें, फाइनेट वर्ब। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको क्या लगता है, सेड कंप्लीट सेंस दे रहा है? नो, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। आगे हमारे पास है सेंटेंस, यानी कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या होता है, सेंटेंस। क्या होता है, सबसे बड़ा क्या है यहां पे, सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर वर्ड तो आते ही हैं, क्योंकि हम कुछ भी लिख ले वो सब वर्ड है, उसके अंदर फ्रेज भी आ सकती है और क्लॉज भी आ सकते हैं, वो हम प्रूव करते हैं, वो हम क्या करते हैं, प्रूव। अब ये आपका एग्जाम्पल देखिएगा, इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, सी सेड। सी सेड को मैंने क्या कहा था कि ये क्लॉज है, ये क्या है, एक क्लॉज है। क्यों है क्लॉज, क्योंकि सी सब्जेक्ट है और सेड क्या है, फाइनेट वर्ब है। सेड क्या है, फाइनेट वर्ब है, इसीलिए हम कह सकते हैं सी सेड क्या है, क्लॉज है। क्या है, क्लॉज है। लेकिन लेकिन आगे सब आता रहेगा, ध्यान दे, आगे फिर देखिएगा, सी वाज सिटिंग, ये सी वाज सिटिंग, देखिए सी वाज सिटिंग में भी क्या है, सब्जेक्ट है, और वो सिटिंग क्या है, वर्ब है। इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हो, इस हिसाब से टू। आगे देखिए, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर एक फ्रेज है, क्योंकि शब्दों का समूह है। एट द टेबल इज ऑल्सो अ फ्रेज, ये भी एक फ्रेज है, और इन द मॉर्निंग इज ऑल्सो अ फ्रेज। यानी कि इस सेंटेंस में वन टू क्लॉज, और मैंने मैंने यहां पर तीन फ्रेजेस का यूज किया है। यानी कि अगर मैं इसको इंडिविजुअल काउंट करूं तो सी एक वर्ड है, तो वर्ड तो है ही, फ्रेज की बात करें, द ऑन द चेयर एक फ्रेज है, एट द टेबल एक फ्रेज है, इन द मॉर्निंग भी क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। और उसके बाद क्लॉज की बात करें तो क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट एंड अ फाइनेट वर्ब। लेकिन इट इज नॉट, लेकिन ये ध्यान रखें, इट इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन। तो अपने आप में अगर हम क्लॉज की बात करें, तो अब यहां से हम क्लॉज को जानते हैं कि क्लॉज होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। अब आपको क्या समझ में आया कि क्लॉज में क्या होते हैं, शब्द होते हैं, क्लॉज के अंदर फ्रेज हो सकती है डेफिनेटली, ठीक है, और क्या है, क्लॉज क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और फाइनेट वर्ब होती है। अब ये फाइनेट वर्ब देख लेते हैं पहले, ताकि हम फिर आगे समझ पाएं कि क्लॉज क्या होता है। ये फाइनेट वर्ब क्या होती है, व्हाट इज फाइनेट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ये फाइनेट वर्ब क्या होती है, फाइनेट वर्ब, देखिए वर्ब, अगर वर्ब को पढ़ा जाए ना, अगर वर्ब को पढ़ा जाए तो कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कहता, 6 महीने तक वो आप वर्ब पढ़ सकते हैं, 6 महीने तक पढ़ सकते हैं, वर्ब्स के इतने काइंड्स हैं, ठीक है। तो आप उसमें से हमने एक काइंड उठा लिया है, फाइनेट वर्ब। फाइनेट वर्ब किसे कहते हैं, पहले आपको यह पता होना चाहिए फाइनेट वर्ब क्या होती है। फाइनेट वर्ब इज दैट वर्ब, फाइनेट वर्ब इज दैट वर्ब। कौन सी वर्ब होती है फाइनेट, क्या करती है, जो फाइनेट वर्ब, उस वर्ब को फाइनेट वर्ब कहा जाता है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, नॉट सब्जेक्ट, मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं कि जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, क्या सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, किस चीज के अनुसार बदलती है, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, अपने सब्जेक्ट के पर्सन और टेंस के अनुसार बदलती है, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेट वर्ब करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमें इसकी क्लॉज में कहां आवश्यकता पड़ती है। वी आर गोइंग टू टेक 3 examples, and after observing 3 examples, you will be able to understand what is the meaning of finite verb, what is the meaning of finite verb. So first example is this, what is the first example, I'm going to write down there, I want to st-
स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी. ही सेकेंड एग्जाम्पल इज ही वॉन्ट्स टू स्टडी. ही वॉन्ट्स टू स्टडी. हर एक चीज को एग्जाम्पल के साथ, लॉजिक के साथ प्रूव करेंगे. बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि आज मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आज आपका इल्यूजन, भ्रम तोड़ने वाला हूं कि क्लॉज होता है वो बहुत मुश्किल होता है, वो आ नहीं सकता. बिल्कुल आपको आएगा और आप बिल्कुल, आपका जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, पानी की तरह साफ होगा. बस आपको वीडियो को देखते रहना, समझना है. मैंने पहला एग्जाम्पल क्या लिखा, क्योंकि यहां पे अभी थोड़ा सा हमने स्किप कर दिया है. हम किसकी बात करने, हमने क्लॉज की बात छोड़ करके किसकी बात करनी शुरू कर दी है, फाइनाइट वर्ब की, क्योंकि फाइनाइट वर्ब के बिना आप क्लॉज को नहीं समझ सकते, क्योंकि नहीं तो आप बीच में लटके रहेंगे, डेफिनेशन पूरी नहीं होगी, समझ नहीं आएगी. और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका किसी भी प्रकार का भ्रम, इल्यूजन बना रहे. तो दोस्तों, हमने पहले एग्जांपल लिखा है आई वांट टू स्टडी, आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस सेटिंग एग्जांपल देयर. एंड वो सेकंड एग्जांपल क्या है, ही wants to study. Next, थर्ड भी हम करते हैं कि वह पढ़ना चाहता, वह पढ़ना चाहती थी, या मतलब मैं कहता कि वे पढ़ना चाहते थे, या राम पढ़ना चाहता था. थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, राम पढ़ना चाहता था तो क्या हो जाएगा हमारा, wanted to study. राम पढ़ना चाहता था. अब आप यहां पर अच्छे से समझ पाएंगे. आई हैव रोट थ्री एग्जाम्पल ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड यू आर ऑब्जर्विंग देम. डेफिनेटली यू आर ऑब्जर्विंग देम. इफ यू रियली वांट टू क्लियर योर कंसेप्ट ऑफ क्लॉज, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट थिंग आई हैव रिटन देयर, व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव रिटन देयर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, आई वांट टू स्टडी. हाउ मेनी वर्ब्स आई हैव यूज्ड देयर, मैंने यहां पर कितनी वर्ब्स का प्रयोग किया है वो देखिएगा. इसमें इस पहले वाक्य के अंदर, पहले सेंटेंस में दो वर्ब है, एक है want और एक है study. अगले में भी want और study. आप एक चीज को अब ऑब्जर्व करिएगा, पहले मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, आई के साथ मैंने क्या किया, want लगाया. जैसे ही आई के साथ आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, जैसे मैंने ही थर्ड पर्सन किया तो उसी वर्ब का क्या चेंज हो गया, ही के साथ लगते ही want का क्या बन गया, wants हो गया. क्या हो गया, wants हो गया. ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, अगला क्या है, अगले में मैंने क्या किया, टेंस चेंज कर दिया, वह पढ़ना चाहता था. जैसे ही मैंने टेंस चेंज किया तो वांट का क्या हो गया, वांटेड हो गया. क्या हो गया, वांटेड हो गया. तो यहां पे जो वर्ब हमारी है, वांट, वांट्स और वांटेड, ये पहले वाली जो वर्ब है, जो आई और ही है, वो बेटा क्या है, पर्सन है. क्या है, पर्सन. तो फर्स्ट कौन से पर्सन है, आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और हमारा जो ही है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है. तो जो पहले वर्ब में जो चेंज आया है वो किसके कारण चेंज आया है, कि मैंने सब्जेक्ट का पर्सन चेंज कर दिया तो वर्ब भी क्या हो गई, चेंज हो गई. और बेटा जो थर्ड में एग्जाम्पल में आप समझ पा रहेंगे, जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें जो वांट है उसका वांटेड क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जैसे ही मैंने टेंस चेंज किया तो वर्ब क्या होगी, चेंज होगी. तो यहां पर जो वर्ब चेंज हुई है वांटेड, वो किसके कारण चेंज हुई है, टेंस के कारण चेंज हुई है. किसके कारण चेंज हुई है, टेंस के कारण चेंज हुई है. एक एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा ताकि थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाए. तो देखिए एक एग्जांपल और देखिएगा, मैंने यहां पे कहा द बॉय वांट टू स्टडी, ओके, और मैंने कहा The boy wants नहीं है, ऐसा लगेगा बिल्कुल. The boy, अगला मैंने sentence दिया, the boys want to study. यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहां पर भी मैंने वही वर्ब उठाई है ताकि आपको बार बार वर्ब चेंज करने से आपको दिक्कत ना हो. अब की बार क्या हुआ, मैंने जब यहां पर बॉय लिया है, बॉय, द बॉय वांट्स टू स्टडी, जहां पर मैंने बॉय कहा तो वहां पे वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ. जैसे ही मैंने बॉय का बॉयज किया तो वर्ब क्या होगी, वांट होगी. तो यहां पर जो वर्ब में चेंज आया है जो एस का, वो किसके कारण से आया है, क्योंकि जो पहले वाला जो बॉय है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, और सेकेंड वाला जो बॉय
आई है वो क्या है, प्लूरल है। तो यहां पे कह सकते हैं, यहां पे जो वर्ब बदली है किसके कारण, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि नंबर होता है वचन, एक वचन बहुवचन आपने पढ़े होंगे। तो यहां पर जो वर्ब के अंदर चेंज आया है वो किसके कारण चेंज आया है, किसके कारण चेंज आया है, नंबर के कारण। तो अब थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं इन सब चीजों को कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अब आपको समझ में आना चाहिए फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, ध्यान दें मैंने यहां पे लिखा है, अभी ओमिट नहीं किया, फाइनाइट वर्ब आप समझ जाएंगे 1000% समझ जाएंगे, 100% समझ जाएंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। ये भी कांसेप्ट यहां से क्लियर कर ले, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आता है फाइंड आउट द फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और आपका जो क्लासेस है बेटा 9 to 12 जो क्लासेस है उनके अंदर भी नॉन फाइनाइट वर्ब भरनी आती है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है जो सब्जेक्ट के पर्सन, सब्जेक्ट का पर्सन, क्योंकि आई है सब्जेक्ट और उसका पर्सन है यहां पे फर्स्ट पर्सन, ही का कौन सा थर्ड पर्सन। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, यहां पे बॉय बॉयज में क्या है, नंबर चेंज हुआ, सिंगुलर से प्लूरल हो गया। तो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार, यहां पे जो थर्ड जो एग्जांपल जो दिया था मैंने, इसमें जो वर्ब चेंज हुई थी वो किसके कारण हुई थी, टेंस, मैंने क्योंकि पास्ट में पढ़ना चाहता था तो मैंने पास्ट यूज कर दिया। तो यहां पर यहां क्लियर हो जाता है कि फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती है, वो वर्ब फाइनाइट कहलाती है जो अपने सब्जेक्ट के किसके अनुसार, नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार और टेंस के अनुसार चेंज होती है। तो उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और हमें क्लॉज को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, फाइनाइट वर्ब की। अब हम आते हैं क्लॉज की डेफिनेशन पे कि क्लॉज क्या होता है। देखिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कभी आपको अभी तक तो हमारा क्लॉज शुरू थोड़ा सा मैंने किया ताकि कंसेप्ट जो आपका है वो क्लियर हो जाए। किसी भी ग्रामर के टॉपिक को शुरू करने में थोड़ा टाइम लगता है, समझाने में जब आपकी वो पकड़ में आ जाता है, जकड़ में आ जाता है, जब आप उसको ग्रैप कर लेते हैं तो इसके बाद वो हो जाता है आसान। अभी तक डियर हम ये जान चुके हैं कि जो हमारी ग्रामर की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसका मीनिंग होता है वो होती है वर्ड, ठीक है। क्योंकि वर्ड हमने क्यों पढ़ा, अब मैं बता रहा हूं क्यों पढ़ा, क्योंकि आपको पता क्लॉज के अंदर क्या वर्ड तो आते ही हैं। तो फ्रेज क्या है, फ्रेज क्या होती है, फ्रेज होता है एक से ज्यादा शब्दों का समूह, एक से ज्यादा शब्दों का समूह जिसके पास, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें क्लॉज और फ्रेज में, डिफरेंस क्या है, जिसके पास अपना सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो जाए वो क्लॉज है, अगर इसके पास अपना सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होती तो वो क्या है, फ्रेज है। लेकिन दोनों ही हैं क्या, शब्दों के समूह, वाक्य नहीं है, दे आर नॉट सेंटेंस, दिमाग में रखेंगे दे आर नॉट सेंटेंस, दे आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस। अगर आगे आपका है जो क्लॉज होता है उपवाक्य का, आ गया उसका उपवाक्य, यानी कि वाक्य का आधा हिस्सा, अर्थात वो वाला हिस्सा जो वाक्य को एक अलग सेंस दे, उसका एक भाग का निर्माण करे, उसको क्या कहते हैं, हम उपवाक्य कहते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, दोबारा से फिर समझ लेते हैं कि क्लॉज है क्या। अब क्लॉज है क्या, तो आपको ये पता है कि क्लॉज, इतना पता चल गया कि क्लॉज बनाने के लिए, क्लॉज बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब चाहिए, इतना क्लियर हो चुका है। बट अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने क्या बताया, ये देखिएगा सेंटेंस की डेफिनेशन को एक बार ध्यान दीजिएगा, सी क्या है, सब्जेक्ट है, सेड क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अब आप बता सकते हैं क्यों फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि से इसकी पहली फॉर्म होती है, सेड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, से, क्या होती है, से, और से हमने क्या बना दिया, सेड। तो यहां पे जो वर्ब चेंज हुई है वो किसके अनुसार चेंज हुई है, टेंस के अनुसार, और जो वर्ब टेंस के अनुसार चेंज होती है, जो वर्ब टेंस के अनुसार चेंज होती है वो कौन सी होती है, फाइनाइट। और याद रखना दोस्तों आप, जो वैसे भी सब्जेक्ट के नजदीक वर्ब जो आती है, जो पहली वर्ब जो सब्जेक्ट को फॉलो करती है, वो हमेशा क्या होती है, फाइनाइट होती है, क्योंकि सब्जेक्ट का उसके ऊपर हमेशा क्या रहता है, प्रभाव रहता है, क्या रहता है, प्रभाव रहता है। और टेंस का जब भी टेंस होता है तो उसी के ऊपर क्या होता है, प्रभाव होता है। तो सी सेड क्या हुआ हमारा, एक तरह से क्लॉज हो गया, क्या हो गया यहां पे, क्लॉज हो गया। आगे फिर सी वॉज, आगे फिर देखिए सी वॉज सिटिंग, वह बैठी हुई थी, इट इज ऑल्सो अ क्लॉज, ये भी एक क्लॉज है, क्योंकि यहां पर जो वॉज है आपको पता वॉज किससे बना, बी से, बी की सेकंड फॉर्म होता है वॉज, बी की सेकंड फॉर्म होता है वॉज, तो इसका मतलब यहां भी टेंस के अनुसार वर्ब चेंज होगी। और सी सब्जेक्ट है, आपको ध्यान रखना सब्जेक्ट क्या होता है, आपको इतना पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या नाउन फ्रेज होता है। हाँ कभी कभी देखो मैं ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा तो मैं बीच बीच में फिर भी बताता चलूं, क्योंकि हो सकता है कहीं साथियों को आता हो और वो सोचें कि सर ने तो बता नहीं, तो गलत है, गलत बता दिया। तो आपको ध्यान रखना है, हाँ कई बार क्या करता है हमारा जो जेरंड है और हमारा टू इन्फिनिटिव है वो भी क्या करता है, वर्जेट का काम करता है। बट आपको याद रखना है अभी सिर्फ कि नाउन प्रोनाउन और नाउन फ्रेज किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। तो आपको पता सी क्या है, प्रोनाउन है, तो ये पक्का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और सेड कौन सी वर्ब है, फाइनाइट, क्यों है, क्योंकि इसकी पहली फॉर्म तो से होती है, तो ये टेंस के अनुसार चेंज हो गई है, तो ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट। आगे फिर सी क्या है, अभी आपने कहा था सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और वाज क्या है, ये भी बी की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी कौन सी, फाइनाइट वर्ब है। और सिटिंग इसके साथ मिलकर चेंज हुई है। तो यहां तक दो क्लॉज हमारे पास बन जाते हैं। तो यहां से हम कुछ बात प्रूव करेंगे। और या ऑन द चेयर आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, प्रूव करो कि आई वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है, My books were laying on the chair, है ना। अब हो गया at the table, ठीक है, I was sitting at the table, at the table सुन ले ध्यान से, अब यहाँ थोड़ा confusion ना हो जाए किसी को। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि grammar में आपस में concept जुड़े होते हैं। अब ये at the table का मतलब वो table के ऊपर नहीं बैठा, table सामने है। जब भी कभी आप hotel में जाते हैं, whenever you get a chance to visit an hotel, और किसी restaurant में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, chair के तो ऊपर बैठते हैं, लेकिन जो table होती है वो आपके सामने होती है। तो इसका मतलब समझ पा रहे कि जो सी है, वो जो लेडी है, वो बैठी हुई है चेयर के तो ऊपर बैठी हुई है, चेयर के तो ऊपर बैठी हुई है। और ऊपर भी कौन सी चेयर के, जिसके हैंडल नहीं होते, जिस चेयर के अगर हैंडल होते ना प्रेपोजिशन गलत हो जाएगी। मैं अब समझ नहीं आ रहा कि क्या-क्या बीच में बताऊं, क्योंकि टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस वर्ब का हैंडल नहीं होता, यानी कि हाथ रखने की वाली नहीं होते, उसके लिए ऑन लगाते हैं, और हैंडल वाली के अंदर हम चले जाते हैं, तो उसके लिए इन लगाना चाहिए। तो यहां भी क्या हमारा फ्रेज है, और यह भी हमारी क्या, एट द टेबल भी क्या है हमारी, क्या एक फ्रेज है, और इन द मॉर्निंग भी क्या है, एक फ्रेज है। तो इसका मतलब एक सेंटेंस इतना महान होता है, यानी कि पिता की तरह होता है, जो पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकता है, पूरे परिवार को पाल सकता है। तो सेंटेंस के अंदर वर्ड भी आते हैं, फ्रेज भी आते हैं, और क्लॉज भी आते हैं। लेकिन कभी क्लॉज, देखिए क्लॉज तो छोटा है ना सेंटेंस से, क्योंकि मैंने इसको तीसरे नंबर पे लिखा है। तो आपको यह ध्यान रखना है, अ क्लॉज कैन नॉट बी अ सेंटेंस, एक क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता। हाँ सेंटेंस, हाँ ध्यान से, ध्यान से सुने मैंने क्या कहा, मैंने कहा कभी भी एक क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता। क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है, और आपको इतना पता चलेगा सेंटेंस का पार्ट है, और क्या है, अब देखो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस का पार्ट होता है, क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है, इतना पता चल गया आपको। उसके बाद और वो पार्ट में क्या क्या होना जरूरी है, उस पार्ट में क्या क्या है, क्या क्या ग्रामरे ने हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया कि वो उसको क्लॉज कहने के लिए। इसी प्रकार से एक डॉक्टर के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, इसीलिए क्लॉज के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, क्लॉज बनने के लिए क्या चाहिए, व्हाट द सिचुएशन डिमांड, क्या मांग करती है एक क्लॉज होने के लिए, उसके पास अपना सब्जेक्ट और अपनी फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। और ये फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और या टेंस के अनुसार बदल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यहां तक ठीक हुआ? तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो अब बनाते हैं क्लॉज क्या है। क्लॉज is a group of words, not words। ये मैंने अपने प्रोनंसिएशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे जाके। This is not words, this is words, जे की साउंड आएगी तो words। तो कहता क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इतना तो पक्का है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि देखिएगा सी एक वर्ड है और क्या है, सेट भी एक वर्ड है। देखा जाए तो अगर इनको हम पार्ट ऑफ स्पीच के एंगल से ना देखें तो दोनों वर्ड हैं, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, पक्का ग्रुप ऑफ वर्ड है। और वो ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, हैविंग, जो रखता है ग्रुप ऑफ वर्ड में, हैविंग, उस ग्रुप ऑफ वर्ड में क्या क्या होना जरूरी है, हैविंग अ सब्जेक्ट, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, एंड अ फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट
वर्ब। अब यहां तक भी मेरा प्रूव कर दिया कि ये दोनों वर्ड तो हैं, अगर अब इनको देखा जाए पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार तो सी क्या है, क्या है, प्रोनाउन है, और यहां पे क्या फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, किसका, सेड वर्ब का सब्जेक्ट है यहां पे, और सेड कौन सी वर्ब है, क्योंकि ये तो पहली फॉर्म तो इसकी से होती है, तो ये चेंज हो गई है टेंस के अनुसार, तो ये फाइनाइट वर्ब है। तो मैंने यहां भी कुछ गलत नहीं लिखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और उस ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एटलीस्ट एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। यस और नो? बट अब आई जो बात जो खास है वो सुनिए, बट इट, बट इट फॉर्म्स, बट इट फॉर्म्स, फॉर्म्स निर्माण करना, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये है एक लाख रुपए की बात। मैंने क्या कहा था कि कभी भी कोई क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता, बल्कि उसके सेंटेंस के एक पार्ट का निर्माण करता है। आप देख पा रहे हैं ना इसमें, क्योंकि ये मिला और एक क्लॉज ये मिला, तो इन्होंने दोनों ने मिलकर के अलग अलग हिस्सों का निर्माण किया, एक सेंटेंस के लिए नींव तैयार की। यस और नो? तो इसका मतलब क्लॉज कैन नॉट बी अ सेंटेंस, क्लॉज जो है कभी सेंटेंस नहीं होता बल्कि सेंटेंस का पार्ट होता है। डेफिनेशन क्लियर हो गई, कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपनी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, जिसके पास अपना सब्जेक्ट और क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस के एक हिस्से का निर्माण करता है या पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। आप कई तरह से अपना डेफिनेशन, यानी कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं, अपनी मर्जी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे लिखे शब्दों को ही याद करना है। बस मेरा मकसद आपको समझाना है, आगे पीछे ऊपर नीचे, जब भी आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको पता हो कि क्लॉज कहां स्टैंड करता है। क्लॉज किससे बड़ा है? वर्ड से बड़ा है। किससे बड़ा है? फ्रेज से भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि फ्रेज का मीनिंग अ लिटल, क्योंकि वो अकेली स्टैंड नहीं कर सकती, कहीं नहीं आ सकती, हालांकि क्लॉज भी नहीं आता, लेकिन एक हिस्से का निर्माण करता है, हमें एक एक्शन दिखाता है, एटलीस्ट हमें सब्जेक्ट का एक्शन दिखाता है, क्योंकि उसके पास अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। इसी कारण से क्लॉज जो है वो फ्रेज से बड़ा है। लेकिन सेंटेंस से छोटा क्यों है? सेंटेंस से छोटा क्यों होता है क्लॉज? क्योंकि सेंटेंस अकेला खड़ा हो सकता है और वो एक पिता की तरह है जो अपने अंदर पूरे परिवार को समाये हुए है। तो ये सेंटेंस का परिवार क्या है? सेंटेंस के परिवार में तीन सदस्य हैं, वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज। और क्लॉज ये पहला और लास्ट वाला, आपको दोबारा बता देता हूं कि जो वर्ड है ना, वर्ड और सेंटेंस अपने आप में पूर्ण अर्थ रखते हैं और ये अकेले आ सकते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन। लेकिन फ्रेज और क्लॉज अपने आप में पूरा अर्थ नहीं रखते, अकेले नहीं आ सकते, ये हमेशा किसी सेंटेंस का हिस्सा बनकर ही आते हैं। अगर फिर भी दोनों में बड़ा छोटे की बात की जाए तो क्लॉज ज्यादा बड़ा है, ज्यादा अर्थ स्पष्ट करता है फ्रेज की अपेक्षा। तो आज आप इतना समझ पाए होंगे कि आपका क्लॉज होता क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन को जानने के बाद कि क्लॉज के टाइप्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आर देयर, कि यहां पे क्लॉजेस कितने प्रकार के हैं। तो अभी तक दोस्तों, अभी तक हम क्या जान चुके हैं, अभी तक हम जान चुके हैं कि क्लॉज होता क्या है, इसका स्टैंड क्या है, ये वर्ड से बड़ा, फ्रेज से बड़ा, ठीक है, लेकिन सेंटेंस से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो अभी तक हम जान चुके हैं, अब हम जानेंगे कि क्लॉज के काइंड क्या है, कितने प्रकार के क्लॉज होता है। हम क्लॉज को बेसिकली या ब्रॉडली कह सकते हैं, आगे भी इसके काइंड हैं, ब्रॉडली हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं, वी कैन डिवाइड क्लॉजेस इन थ्री पार्ट्स, बेसिकली वी कैन डिवाइड इन टू थ्री पार्ट्स, एंड व्हाट आर दीज, वी आर गोइंग टू नो देम, हम को जानना चाहते हैं आज इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। आज हम क्लॉज के टाइप्स तक हम इसको समझेंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो आप यहां देखिएगा, तो पहले मैं बताता हूं कि टाइप्स क्या हैं, व्हाट आर दी थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आर देयर। तो वो क्या, पहले जो हमारा पहला जो हमारा टाइप्स है क्लॉज का, उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। इसको प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज नोन एज प्रिंसिपल? बिकॉज इट हैज इट्स
its own meaning, because it has its own meaning. देखिए है तो ये भी उपवाक्य है, दिमाग में क्या रखना है कि है तो ये भी क्या उपवाक्य है, अर्थात ये भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है, लेकिन ये जो दूसरा क्लॉज सेंटेंस के अंदर आता है, जो सेंटेंस के अंदर दूसरा क्लॉज आता है उससे ज्यादा अर्थ रखता है, अर्थात उसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे वाले पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे आपके स्कूल्स के अंदर, जैसे स्कूलों में प्रिंसिपल होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं, टीचर से ऊपर होते हैं, या सुनो, तो प्रिंसिपल कैन स्टैंड अलोन, ठीक है, इसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, और इसी कारण से प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है जो हम स्कूलों में होते वही प्रिंसिपल होते हैं, अर्थ क्या होता है इसका, मुख्य, क्या होता है, मुख्य, मुख्य उपवाक्य, यानी है तो ये भी उपवाक्य है, है तो क्लॉज, लेकिन क्या है, मुख्य उपवाक्य है, अर्थात दूसरे वाक्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये अपने अर्थ के लिए उसके ऊपर निर्भर नहीं है, तो इसका मतलब देखिए, इसलिए इसके और नाम बता देता हूं कुछ छूटे ना, इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, क्यों, क्या कहते हैं, मेन क्लॉज, इसको मेन क्लॉज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तो मेन है, इसका अपना अर्थ है, क्योंकि ये वाक्य में मुख्य क्लॉज का काम करता है, वो मुख्य उपवाक्य का काम करता है, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इसका मतलब आपके पास कुछ भी आ जाए, अगर आप कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज के और दूसरे नाम बताइए, तो आप क्या कह सकते हैं, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, अर्थ सबका एक है, अगर इंग्लिश में आप शब्दों के अर्थों पे जाकर समझें तो आपकी आधी चीजें तो वैसे क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए प्रिंसिपल का मतलब भी क्या होता है, मुख्य, विषय, मतलब जो औरों से विशेष हो, ठीक है, मेन का मतलब भी होता है वही मुख्य है, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो स्वतंत्र है, जिसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ क्लॉज का है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, देखिए अगर मैं इसको बताऊं, को होता है बराबर का, तो आपने कोवर्कर सुना होगा, कोवर्कर सहकर्मी, साथ में काम करने वालों को क्या कहते हैं, कोवर्कर कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट, अर्थात कोऑर्डिनेट, सहयोग बनाने वाला, साथ में आने वाला। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये भी एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में स्टैंड कर सकता है, अगर इसके सामने से क्या हटा दिया जाए, कनेक्टर हटा दिया जाए, कनेक्टर हटा दिया जाए, कंजंक्शन हटा दिया जाए, क्योंकि दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमेशा क्या आता है, कंजंक्शन आता है, और इसको जोड़ने के लिए कौन से कंजंक्शन आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। तो इसीलिए इस क्लॉज को भी इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके घर में, ठीक है, आपके घर में जैसे आपके पापा हैं, ठीक है, और आपके पापा से बड़े हैं, जिसको ताया जी जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, वो अपना घर चला रहे हैं, लेकिन समाज ये कहता है, क्या कहता है कि बड़े भाई की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, नहीं तो दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंट है, दोनों अपना घर चला रहे हैं, दोनों अपने डिसीजन लेने में मुक्त है। सामाजिक नियमों के अनुसार बेचारा जो छोटे वाला भाई होता है वो बड़े की रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर है, उसको करना भी चाहिए, नैतिकता कहती है, ये नैतिकता कहती है। तो ये ऐसा सा ही कुछ रिलेशन है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो अपना अर्थ स्पष्ट कर सकता है, अपना उसको दूसरे पे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही कोऑर्डिनेट क्लॉज के साथ भी है, वो भी अगर प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के बीच का कंजंक्शन हटा दिया जाए तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी एक इंडिपेंडेंट क्या बन सकता है, सेंटेंस बन सकता है, लेकिन उसको वो थोड़ा छोटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सामने क्या आ जाता है, इसके सामने आता है कनेक्टर आता है, और कनेक्टर भी इसके सामने कौन से आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का एक तरीका लिख देता हूं साथ में, उनको याद करने का तरीका है, एक सूत्र है फैन बॉयज, क्या है फैन बॉयज, ये फैन बॉयज आप कहोगे क्या है, फैन बॉयज क्या लिख दिया, देखिए बहुत सारे कंजंक्शन है, कंजंक्शन को भी तीन नामों से जानते हैं, कंजंक्शन भी कहते हैं, लिंकर भी कहते हैं, कनेक्टर भी कहते हैं। फैन बॉयज कौन से कंजंक्शन होते हैं, ऐप का मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं आपके साइड में, ऐप से बनता है फॉर, ए से बनता है एंड, एन से बनता है नॉर, ठीक है, बी से बनता है बट, उसके बाद आपका ओ से बनता है और, वाई से बनता है यट, और एस से बनता है सो, और एक मेरी तरफ से लिख लेना अदरवाइज,
अदरवाइज। ये जो कंजंक्शन होते हैं इनको फैन बॉयज कहते हैं और ये जाने जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से इनको क्या है, जाना जाता है। जब भी प्रिंसिपल क्लॉज और उस सेंटेंस में दूसरे क्लॉज को इन कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाए तो इन कंजंक्शन के बाद वाले क्लॉज को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इतना समझ आ गया कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, अगर उसका ये कंजंक्शन रिमूव कर दिया जाए तो इट कैन बी ऑल्सो अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट क्या हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। लेकिन ये वाला जो है इसको हम कहते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। इसको बेचारे को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, आपको एक बात और साथ में बता दूं कि जब भी किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज आते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल होना कंपलसरी है। दूसरा डिपेंड करता है कंजंक्शन क्या है, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट भी हो सकता है और दूसरे वाला सबॉर्डिनेट भी हो सकता है। जो ये सबॉर्डिनेट जो हमारा क्लॉज है ये बेचारा अपने अर्थ के लिए सब होता छोटा। कभी कहते ना, अरे वो क्या लगा है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर नहीं इंस्पेक्टर से छोटा। सब क्यों कहते हैं, छोटा होता है इंस्पेक्टर से छोटा। तो इसका मतलब ये भी सब क्यों है, इसको सबॉर्डिनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये छोटा है। इट इज लाइक यू, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे हर एक चीज के लिए पैसे मांगते हैं किससे, पापा से। तो पापा इंडिपेंडेंट है और बच्चे क्या है, डिपेंडेंट है। पापा के ऊपर बच्चे क्या है, आधारित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, पापा से मांगना पड़ता है। यस और नो? जबकि चाचा को भाई अपने बड़े भाई से नहीं मांगना पड़ता, सामाजिक तौर पे वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करें वो बात अलग है। चाचा अपना परिवार चला रहा है, पापा अपना चला रहा है, तो पापा थोड़ा बड़ा है तो इसलिए क्या है, प्रिंसिपल है, और चाचा छोटे हैं तो क्या है, सबॉर्डिनेट हैं। और अगर दोनों का कंजंक्शन, दोनों का आपस का बंधन हटा दिया जाए तो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों अपने अपने घरों के मालिक हैं। समझ आया? लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है, अगर मम्मी पापा आपको खर्च देना बंद कर दें तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रन योर लाइफ, आपका जीवन चलाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह सुनो, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, आप अपने आपको क्या मान सकते हो, क्या मान सकते हो कि आप क्या हो, डिपेंडेंट हो, अर्थात आप सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, यानी कि आपको अपने पापा पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूं यहीं पे, और वाइंड अप करने के लिए मैं बता देता हूं पहले आपने क्या सीखा। सबसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हैविंग अ कंप्लीट सेंस। वर्ड क्या होता है, शब्द, लेटर्स यानी कि का जो एक समूह जिसका अपना अर्थ हो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या सीखा, फ्रेज। फ्रेज क्या होती है, फ्रेज होता है एक शब्दों का समूह, नोट लेटर का है ना, ऊपर वाला लेटर का था। वर्ड्स का समूह होता है जिसको जो का त्यों कहीं भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके पास बेचारे के पास अपना सब्जेक्ट और फाइनल वर्ब नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी शब्दों का समूह होता है लेकिन उसके पास अपना सब्जेक्ट और फाइनेट वर्ब होती है। और सेंटेंस क्या होता है, इन सब का पिता होता है, बाप होता है, जिसके अंदर ये सारे आते हैं, अर्थात इन सब को समा सकता है। ठीक है, और फाइनेट वर्ब के बारे में बताया मैंने, क्या होता है फाइनेट वर्ब, फाइनेट वर्ब क्या बताई थी मैंने, उस वर्ब को फाइनेट वर्ब कहा जाता है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार बदलती है और अब सब्जेक्ट के नजदीक आती है। हमेशा इसकी पहचान रखना, सब्जेक्ट के नजदीक आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनेट वर्ब कहते हैं। ठीक है, बाद मैंने क्या बताया, इसके हिसाब से हमने क्या कहा कि क्लॉज कहां पे आता है, किससे बड़ा है, वर्ड से बड़ा है, फ्रेज से बड़ा है, तो यहां पे क्लॉज है लेकिन सेंटेंस से छोटा है, अर्थात सेंटेंस का क्या है, पार्ट है। सेंटेंस का क्या है, ये पार्ट है, इट इज नॉट अ सेंटेंस। तो आप डेफिनेशन क्या बनाई, A group of words having a subject, जिसके पास एक subject हो and a finite verb, but forms a part of sentence is called clause. उसको क्या कहते हैं? Clause कहते हैं। शब्दों का वो समूह जिसके पास अपना subject होता है, अपनी finite verb होती है, लेकिन वो एक sentence का हिस्सा होता है, या एक sentence के हिस्से का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं, clause कहते हैं। क्या कहते हैं? Clause. Clause कितने प्रकार के मैंने बताया आपको? Clause तीन प्रकार के हैं। कौन-कौन से तीन प्रकार के? Principal clause, इसका नाम बताना, प्रिंसिपल भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये वाक्य में आए दूसरे उपवाक्य के ऊपर निर्भर नहीं रहता अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड बताया आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसको इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी प्रिंसिपल की तरह अपना अर्थ रख सकता है अलग से, लेकिन इसके सामने कौन से कंजंक्शन आते हैं, फैन बॉयज बताया, फैन बॉयज याद कर लेना, फैन बॉयज याद कर लेना, इनको देखते ही आप पहचान सकते हो किसी भी एग्जाम में कि इसके बाद वाला तो ये कौन सा हमारा क्लॉज है, कौन सा है, कोऑर्डिनेट है, कौन सा है, कोऑर्डिनेट। और इसके अलावा कोई और कंजंक्शन हो तो सीधी सी बात, बचा क्या,
क्या बचा हमारा, कौन सा बचा? सबॉर्डिनेट क्लॉज। जैसे मैंने कहा कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं, उसमें से 10 लड़कियां हैं, तो लड़कियों को बताने के बाद लड़कों को गिनने की आवश्यकता है, तो घटा दो उसमें से, बाकी क्या बचे? बॉयज बचे। तो वही बात है, अगर ये हमारे कौन से फैन बॉयज कोऑर्डिनेट हैं, तो बाकी जो बच्चे वो क्या हो गए? हमारे सबॉर्डिनेट हो गए। सबॉर्डिनेट क्या है? सबॉर्डिनेट की स्थिति क्या बताई मैंने? आप बच्चों की तरह है जो अपने माता पिता पर निर्भर हैं, अर्थात इनको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है? प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। तो इसी के साथ आज ये क्लॉज के ऊपर जो फर्स्ट सीरीज हमने शुरू की है, आज यहीं पर खत्म होती है, इसका एंड होता है, समाप्त होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की इंग्लिश सीखने के लिए, इसी प्रकार के इंग्लिश के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस चैनल को देखते रहिएगा। वैसे इस चैनल के ऊपर आपके पास एक और एडवांटेज है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हम सब सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिल सकती हैं। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करना है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली सीरीज क्लॉज के पर बहुत जल्दी, हो सकता है कि नेक्स्ट कल ही आ जाए, तो उस तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।